नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल तेवन गार्डनिंग टिप्स एंड केयर में। ये जो वीडियो है ये पीस लिली के ऊपर है, और पीस लिली जो है एक बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट है जिसका फ्लावर बहुत सुंदर लगता है। अगर मैं ये आपको इसका फ्लावर दिखाऊं तो कुछ इस तरह का रहता है, वाइट कलर का, और इंडोर प्लांट्स में ये इसकी गिनती होती है। धूप इसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैंने इसे बाहर जब रखा था तो डायरेक्ट धूप तो बहुत ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन सुबह की सूरज ईस्ट फेसिंग था तो सुबह सुबह जो धूप निकलती है वो हल्की फुल्की लग जाती थी। लेकिन अभी अप्रैल स्टार्ट हो गया है, सुबह की धूप भी 7 बजे भी इतनी ज़्यादा हार्श थी कि इसकी पत्तियाँ जलना शुरू हो गई थी। एक ये देखिए येलो हो गई है, और इसमें भी आपको येलो येलो ये पैचेस दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने इसे अंदर अपने रूम में शिफ्ट कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से मैं कोई अच्छा पॉट नहीं खरीद पाया, इसे शिफ्ट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि ये अगर ग्रीन कलर के इसकी जो लीव्स हैं बहुत सुंदर लगती हैं, अगर इसे आप किसी वाइट कलर के सिरेमिक पॉट में लगाएं तो वो तो पॉट तो अरेंज हो नहीं पाया क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। लेकिन ये पौधा मैंने ऐसे ही अभी रखा है, और इसे जो है थोड़ा मट्टी गीली पसंद है, कीचड़ जैसी नहीं लेकिन नमी होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। और नर्सरी से मैं इसे लाया था तो ये लगा हुआ है चिकनी मिट्टी में। नर्सरी वाले ज़्यादातर चिकनी मिट्टी ही यूज़ करते हैं क्योंकि ताकि ट्रांसपोर्टेशन में पौधे ख़राब ना हों। ज़्यादा दिन तक ट्रांसपोर्टेशन में लग जाता है, पौधे जो हैं काफ़ी दिन ट्रक में ही पड़े रह जाते हैं। तो अगर वो नॉर्मल सॉइल यूज़ करेंगे, सैंडी जिसमें ज़्यादा सैंड वगैरह रहेगा, या बहुत जल्दी ड्रेनेज हो जाए, तो उसमें ये मॉइस्चर मेंटेन नहीं रहता और प्लांट्स सूखने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसका फ्लावर मैं आपको दिखाऊं, देखिए कितना सुंदर लगता है, और शायद कैमरे में इतना सुंदर ना लगे लेकिन ये बहुत सुंदर लगता है, और इसकी पत्तियाँ भी बहुत सुंदर लगती हैं। अभी तो ये ज़्यादा पुराना पौधा नहीं है, लेकिन जब नीचे से इसकी बहुत सारी पत्तियाँ एक साथ निकलने लगी, देखिए ये बगल में एक प्लांट और निकल रहा है, बहुत सारी पत्तियाँ जब निकलना शुरू हो जाती हैं, बहुत घना हो जाता है, तो ये और ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। और बहुत ही कम केयर वाला पौधा है, और नासा ने अब अपनी एक पॉल्यूशन से लड़ने के लिए एक स्टडी की थी, उसमें कुछ उन्होंने प्लांट्स बताए थे जो आपका पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, आप अपने घर में लगा सकते हैं। उसका एक वीडियो हम लोगों ने पहले ही बनाया है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो जो है इसकी साइज़ में आपको दिखा दूं। तो ये मेरा हाथ है और हाथ के आगे मैंने रख रखा है इसे, ये देखिए। तो उन्होंने जो क्लीन एयर स्टडी की थी उसमें बहुत सारे प्लांट्स के बारे में बताया था जो पोल्यूशन कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। उसमें हमने 6 मोस्ट कॉमन प्लांट्स जो हैं उसकी एक लिस्ट बनाई थी जो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। उसमें कई सारे पौधे थे, स्नेक प्लांट था, बनाना था, पीस लिली भी था। तो वो वीडियो अगर आप चाहें तो यहाँ आई बटन पे, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स की लिस्ट है उसमें, आप चाहें तो सब लगा सकते हैं अपने घर में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इस समय पोल्यूशन और इतना ज़्यादा बढ़ रहा है जिससे बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं आपको लंग्स की, और जिससे आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और अभी इस समय जो महामारी फैली है कोरोना जैसी, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उसके ऊपर ज़्यादा अटैक करती है। तो एक और सवाल आप सबके लिए कि प्रकृति को बचाने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, आप अपने जवाब जो हैं कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं कि इस प्रकृति से लड़ने के लिए आप, प्रकृति से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं, ये पश्चिम और पूर्व की सभ्यता में यही अंतर है, हमने कभी प्रकृति से लड़ाई नहीं की, हम लोग प्रकृति के साथ चलने वाले हैं। शुरू में जो प्रकृति से लड़ने वाले का एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो बल्ब बनाई गई ताकि रात में भी काम हो सके, और हमारे यहाँ रात में लोग सोया ही करते थे। हर चीज़ में प्रकृति के साथ चलने के लिए हजारों सालों से हम लोगों ने ढाल लिया था खुद को,
लेकिन देखिए, जब प्रकृति प्रकृति जब हमारे विरोध में आती है तो ऐसे ऐसे वायरस निकल आते हैं, कोरोना जैसे। 50,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं आज की डेट में कोरोना की वजह से। तो मेरा यही सवाल था कि प्रकृति से, प्रकृति को बचाने के लिए आप सब क्या क्या कर सकते हैं? प्लीज़ अपना जो आप जो भी जानते हैं या जो बताना चाहते हैं कमेंट में कमेंट करके बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपकी सारी बातें बताने के की। और ये वीडियो इतना ही रहेगा। जहाँ तक मुझे लगता है, प्रकृति को बचाने के लिए हमें कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वही करना छोड़ दें तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि अभी अगर देखा जाए, लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। कई दिनों से लोगों ने गाड़ियाँ नहीं चलाई हैं, तो छोटी छोटी चिड़िया लोग जो हैं उन्होंने मिरर में और अलग अलग जगह अपना घोंसला बना लिया है। बहुत सारी आपने गांव में देखा होगा, जिस रोड पे लोग चलते नहीं हैं, मिट्टी की सड़क वगैरह रहती है, वहाँ घास वगैरह उगाती है, पेड़ पौधे उगाते हैं। अपने आप प्रकृति खुद को रिजनरेट कर लेती है। प्रकृति में ये क्षमता होती है कि खुद को रिजनरेट कर ले, अगर हम उसमें हस्तक्षेप ना करें तो। अगर आप पुराना घर देखेंगे, अगर लोग वहाँ 8-10 साल नहीं जाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े पीपल के, बरगद के पेड़ अपने आप उग जाते हैं। प्रकृति में क्षमता है, वो खुद को रिजनरेट कर लेती है। बस हमें यही करना है कि हमें चीज़ें उखाड़ें और तोड़ें ना। पेड़ आप ना भी लगाएं, तो अगर पेड़ ना उखाड़ें तो अपने आप हर जगह जंगल हो जाता है। ये सही बात है, लेकिन आज की डेट में तो भाई हम लोगों को जंगल पौधे लगाने ही पड़ेंगे, पोल्यूशन से बचने के लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए। ये वीडियो इतना ही रहेगा। वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा बन गया है। आप सभी का धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। बहुत सुंदर पौधा है पीस लिली का। और प्लीज़ आप हमारे अगर आप पौधों को पसंद करते हैं। अच्छा हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, अगर आप प्रयागराज में रहते हैं और ये पौधा लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मैंने कौन सी नर्सरी से लिया है। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने घर में ज़रूर ये पौधा लगाएं, क्योंकि बहुत ही कम केयर चाहता है ये। अगर आपने एलोवेरा वगैरह लगाया होगा तो वैसा ही कुछ है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की इसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसे ज़रूर लगाएं और ये वीडियो जो है इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।